सबसे पहला सवाल कि आज आप मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से मिले, आप लोगों को आश्वासन मिला है कि जहां भी फिल्म रिलीज होगी वहां पे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, तो अब आगे का स्टेप क्या होगा? प्रोड्यूसर गिल्ड की मीटिंग होने वाली है, मल्टीप्लेक्स बॉडी से मीटिंग होने वाली है, क्या करने वाले आप लोग? देखिए, आज सवेरे हमने मुलाकात की हमारे कमिश्नर साहब से और जॉइंट कमिश्नर साहब दोनों के साथ अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि जो भी हमें सुविधा चाहिए उनसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का, वो हमें मिलेगी और हमें उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म बनी है ऐ दिल मुश्किल, उसमें 150 हिंदुस्तानी टेक्नीशियंस हैं, 25 इंडियन एक्टर्स हैं, एक सिंगल पाकिस्तानी एक्टर है जो एक गेस्ट अपीयरेंस पे 3-4 मिनट के लिए पूरी फिल्म में आता है, उससे अपना काम करके वो चला गया। हम 150 हिंदुस्तानी जिन्होंने इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई, उनका कसूर क्या है? हमारे पैसे हमारे लगे हैं, दिवाली हमारा त्यौहार है, ये पिक्चर बनाई है पूरे परिवार की एंटरटेनमेंट के लिए, एक फैमिली एंटरटेनर है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे MNS भाइयों से कि देखिए, भले हमारी वे ऑफ थिंकिंग शायद थोड़ी अलग हो, मैं उनकी थिंकिंग को की रिस्पेक्ट करते हुए फिर एक अपील करना चाहता हूँ हमारी बिरादरी के फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कि अभी अपना त्यौहार ख़राब नहीं करना चाहिए। हम भाइयों को मिल के हिंदुस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाना चाहिए, नहीं तो वो जो पाकिस्तानी को जो नुकसान कर रहा था वो तो घर चले गया। हम एक दूसरे का नुकसान करके क्या हासिल करेंगे? एक तो हमारा नुकसान होगा फाइनेंशियल, वो चलो वो छोड़ो, लोगों की त्यौहार में अच्छा मनोरंजन का मौका है, त्यौहार को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने का मौका है, हम हमारी दिवाली को ख़राब क्यों करें? उससे टेररिस्ट की जीत होगी, हमारी कोई क्या जीत भी होगी, हमारा नुकसान ही है सिर्फ। तो आप हमारे भाई हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलजुल के जो हो गया सो हो गया। अभी एक छोटे से इंसिडेंट को हम उसको ज़्यादा ये नहीं, जिसको पिक्चर नहीं देखती वो नहीं देखे, मगर हम किसी चीज़ की कोई चीज़ की रुकावट नहीं करें, कोई कंपल्शन नहीं है किसको। अगर सपोज किसी भावना है ऐसी है कि उनको फिल्म नहीं देखना है, उनकी भावना है सर आंखों पर, मगर जिसको देखना है उनको देखने दीजिए। ये आपसे विनती है मेरी और कुछ नहीं कह सकता। सर, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमय कोप का जो है MNS के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मिलने के बावजूद ये धमकी दी है कि फिल्म रिलीज होगी तो भी हम विरोध करेंगे। सर, और थिएटर्स ग्लासेस एंड ही इज थ्रेटनिंग यू, सर, यू आर रिक्वेस्टिंग हिम, तो आप क्या कह रहे हैं? सेइंग ही विल ब्रेक ग्लासेस एंड ही इज स्टिल थ्रेटनिंग यू ओनली, सो दैट्स द काइंड ऑफ लाइन दैट दे यूजिंग। लेटेस्ट देखिए, हां वो जो कहते हैं सो कहे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको हमारे संस्कार में ये लिखा है कि हमें अमन को बरकरार रखना है, वायलेंस से कुछ फायदा नहीं होता, हम एक दूसरे का नुकसान क्यों कर रहे हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई पाकिस्तानी तो नहीं है, तो हम एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का नुकसान क्यों कर रहे हैं? ये मेरे आपसे विनती है। और सर, आपने जो कहा कि इसमें जैसे 4 मिनट का फवाद खान का एक छोटा सा आता है शॉट, तो क्या ये सारे कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद कोई सीन कट किए गए हैं या फिर उतना ही था पहले से? देखिए, एक जब फिल्म बनती है उसकी एक कहानी होती है, और अगर कहानी में कोई कैरेक्टर, क्योंकि उसकी कहानी एक जुड़ी हुई है कैरेक्टर की, का कैरेक्टर जुड़ा हुआ है कहानी से, उसको अलग हम नहीं कर सकते, बीच में से निकालने से फिल्म अलग हो जाएगी। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। से मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इतनी आसान चीज़ होती तो कोई फिल्म मेकर उसको ऐसे स्टेज पे लाने का, वो मजबूर है, वो बेचारा फंसा हुआ है, उसकी तकलीफ को हमको समझना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? यही मैं कह रहा हूँ। सर, अभी का मल्टीप्लेक्स बॉडी से मीटिंग करेंगे, गिल्ड की मीटिंग होगी, इस बारे में बताइए सर, क्योंकि मल्टीप्लेक्स बॉडी अभी कुछ बता नहीं रही है कि नहीं। देखिए, मैं अभी किसी से मीटिंग करने का कोई
मतलब नहीं है कि हमने सबको कम्युनिकेट कर लिया है कि भाई फिल्म 28 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज है, पूरी दुनिया में रिलीज होगी। और हम खाली हमारे एग्जीबिशन सेंटर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप घबराइए मत, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी आपके साथ है, आपको पूरी सुविधा देगी। और हम हमारे जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विरोध करना चाहते हैं इस सोच से, हम उनसे खाली विनती कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि प्लीज़ अमन का रास्ता को पे चलते हैं। हमारा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान का, उसको खराब ना करें। So, will you take any legal action, sir? You know, BSN is confused with their threats. Will you contemplate taking any legal recourse? For whom? For the MNS, because they are continuing to issue threats despite the request. ये मेरा काम नहीं है। ये जो क्या स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो एक लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी का है। हमारा काम है मनोरंजन करना, बाकी क्या लेना क्या स्टेप लेना चाहिए वो पुलिस डिपार्टमेंट जाने, हमारी सरकार जाने। हमें जो जो काम की जो जो चीज़ की हमें समझ ही नहीं है उसके बारे में हम क्या देंगे। As the president of the producers, Guild TV and Film Television Producers Guild, don't you think that, you know, there's something that needs to be done? Because as you rightly said, all these films have already been made. Now nothing can be done about it. जो बन गई ये फिल्म है उसका हम क्या कर सकते हैं? उसको रिवर्स कर नहीं सकते। मेरी खाली यही आपसे एक अपील है कि जो बन गई है उसको जाने दें। आगे हम जो सरकार कहेगी वही हम करेंगे, सरकार कहती है नहीं करें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम मनोरंजन करना है। अब ये कौन चाहेगा, इतनी मुश्किल से एक फिल्म बनती है, इतनी मुश्किल से रिलीज होती है, ये जो टेंशन अभी आज जो हम भुगत रहे हैं ये किसी को शौक है करने का? हमें इसे क्या मिलेगा, टेंशन ही मिल रहा है और कुछ नहीं। तो आगे जो सरकार कहेगी हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है एज इंडियन सिटीजन टू लिसन टू द गवर्नमेंट इन पावर, जिसको हमने मैंडेट दिया है, जिसको हम चुन के लाए। पल्लवी अहलूवालिया, Managing Attorney of Ahluwalia Law Offices, a premier boutique law firm based in Dallas with an East Coast office. Practice in areas of corporate, immigration, and family law matters. It's your first choice, second opinion law firm. Call us. Let's talk. Contact us at 972-361-0606. That's 972-361-0606. Someone comes and damages their screens or damages their theaters. The producers don't help them out with that. What do you have to say to them, really? Tell me one thing. All the properties which are made commercial properties. Correct me if I'm wrong. I think so. They might be insured, no? This is what it's I. Very simple. Expect. So what would you yeah. have to say to the? No, my thing is that if I was an exhibitor, I would definitely worried about a property. I can understand that, but the police is there to protect me. 100% they have assured 100% protection. And second thing, God forbid, in spite of that, if there is some minor damage created, there is an insurance company which you have the insurance policy which you take out to protect your property. And sure, you can get compensation from that, from the insurance company. But sir, it's a question of the client, go ahead and screen it. 1% talk, if I can't understand. Suppose some of them don't follow that line and choose to well, screen if it you, at all, if what you, losses do you think? Now tell me one thing, if somebody doesn't follow that line, if somebody is irresponsible of not insuring his property, that is whose mistake, my mistake or his mistake? No, I don't mean that, sir. I mean if they don't agree with you and they want to, like that cinema owners association, they're the suspension of the film or whatever. Suppose they carry on with that. What kind of losses do you feel that Erin Hemushkel will face as a result? Because you're saying it is... It's a very hypothetical question. First of all, I feel that the most 95%, some isolated cinemas might close down for reasons best known to them. But I'm very confident that more than 95% of the cinema halls will show the film. Right. So,
Mr. Kashyap appeal to Prime Minister Modi to help us out? Our situation? Prime Minister is busy in doing larger issues. He is just now attended the BRICS summit. He is which very uncouth of us to even think of harassing him for these things. There are bigger issues for him to tackle. He is on the international platform representing our country. So I don't think so we should bother him with these things. This is something which we should tackle at our different levels, that is going through the police force, the commissioner, talk to our CM, talk to the Home Ministry, our INB Minister which we are talking to. And that's it. We should just see. And I'm sure the government has not given any kind of a indication to us that they are not in favor of the film releasing. The government is very clear that they are against the perpetrators of terror from across the border, the terrorists, not the people of Pakistan. So I want to make very clear, we are not interested in politics. We are entertainers. We want to stick to our job of entertainment and that's it. We want to only make one request. There are some unfortunate producers stuck with their films complete. Don't penalize them for no fault of theirs. And ultimately, don't let an Indian bleed for no fault of theirs. And Indian money get lost for no fault of theirs. This is my humble request. Once this is out, the future, let the government decide. We will follow what the government tells us. As law-abiding citizens, we will do exactly what the vision of our Honorable Prime Minister is, our ministry is, and that's our fundamental duty which we follow. Thank you, sir. I can't be more clear. Sir, is it true that Mr. Karan Johar is going to be meeting the commissioner today as well? Do you feel he should meet after the president has met? But I just heard that he might be meeting two of the personnel. I don't think so. The buck stops here. I don't want to sound arrogant, but the buck stops here. And he's given me the mandate to talk. Okay? Thank you. But you know, my humble request to each one of you, aap log ki bhi ek is mood pe, ye delicate mood hai, aap log ki bhi ek zimmedari hai. Ki jo aapke conscience ko lagta hai, sahi hai, sach hai. Mere ne bola ki, meri baat suno. Aap apne zameer ko poochho. Apne dil se poochho ki, kya is pe sach hai? क्या इस पर मुख्य बनने कहा जो हमको लगता है कि हाँ भाई ठीक कहा उसको निकाल के उसको सही तरह से दिखाइए जनता को नहीं तो क्या होता है इट इज एडिटेड रॉन्गली इट इज मिस रिप्रेजेंटेड यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल द मीडिया इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इन सोसाइटी टुडे आप अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाइए और ये अमन का जो मैसेज है मेरा हमारे भाइयों को जो विरोध कर रहे हैं उसको स्प्रेड करिए ये मेरी ये दिवाली काली नहीं होनी चाहिए इस पर हंसेगा कौन सेलिब्रेट करेगा कौन वो टेररिस्ट वो कामयाब हो गया हम भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जीते वो टेररिस्ट हार आज अगर दिवाली हमारी काली हो जाती है हम एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं लड़ने लगते हैं तो उसकी जीत हो गई वो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसकी जीत ना हो और हम जीते और हम त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं अच्छा मनोरंजन ले पूरे परिवार के साथ जाए अच्छी फिल्म में उसका म्यूजिक भी हिट हो चुका है जाके अच्छी दिवाली मनाएं ये मैं आप कम्युनिकेट करना चाहता हूँ हमारे भाइयों को जो विरोध कर रहे हैं और ऑल्सो जनता को कि भाई हम हिंदुस्तानी सब एक साथ मिल के दिवाली मनाएं Thank you.